दोस्तों, पिछले हफ्ते के लास्ट के 3 दिन में एक तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 350 पॉइंट गिर गया। तो क्या अगले हफ्ते में गिरावट कंटिन्यू होने की संभावना है? इस पर बात करेंगे इस वीकली वीडियो में। मैं आशीष केलकर आपका स्वागत करता हूं, किरण जाधव इस यूट्यूब चैनल पे, आपके पसंदीदा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते में हमने आपके साथ 2 वीडियो शेयर किए थे। पहला था सारे मेजर इंडाइसेस के ऊपर और दूसरा था सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और कमोडिटीज के ऊपर। उसी तरह से इस हफ्ते में भी मैं 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारे मेजर इंडाइसेस पर बात करूंगा, वर्ल्ड इंडाइसेस पर बात करूंगा। और 1 घंटे के बाद वापस एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के साथ साथ कमोडिटीज के ऊपर भी बात करूंगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के वीकली वीडियो को निफ्टी के साथ। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये है निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमने एक अहम लेवल ड्रॉ करके रखी है, और अगर मैं इसको आसानी मतलब ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अहम लेवल जो चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो है 19,470, जो पिछले हफ्ते में भी मैंने लेवल दिया था वो कंटिन्यू है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन का वैल्यू है। और ये वैल्यू जो है थोड़ा डायनामिक है, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा चेंज होने की पूरी पूरी संभावना होती है डायनामिक लेवल्स में। तो यहाँ पे मैं पिछले हफ्ते के लेवल के साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी टेक्निकली हम उस लेवल के ऊपर है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर है, मैं मानता हूँ हो सकता है इस लेवल को टेस्ट करके एक बाउंस बैक मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच हो गया, वो ब्रीच इस लेवल के नीचे निफ्टी डिसाइसिवली क्लोज हो गया, तो मैं मानता हूँ कि वापस एक बार इस लाइन को टेस्ट करेगा और उसके बाद एक फाइनल डायरेक्शन तय होगी। तो अगले हफ्ते के लिए ये लेवल बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली 70 पॉइंट का ये एक रेंज है, 19,470 से लेके 19,400। ये लेवल बहुत, ये रेंज बहुत अहम लेवल रेंज रहेगा निफ्टी के लिए। जब तक हम इसके ऊपर है, एक उम्मीद बनाए रख सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर इसको ब्रीच कर दिया तो हो सकता है कि ये जो करेक्शन है ये थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस लेवल को ध्यान दीजिए, और हमारा मार्केट आउटलुक डेली, जहाँ पे हम रोज आपको इत्तला करते जाएंगे कि आप इससे आगे हमारा एक्शन किस तरह का होना चाहिए। दोस्तों, ऊपर की तरफ की लेवल की मैं बात करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि 19,700 ये अगले हफ्ते के लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। यानी 19,700 के ऊपर अगर निकलते हैं तो वापस एक बार 19,875 और 20,000 के लक्ष्य चार्ट पर बनते हुए नजर आएंगे। यानी 19,700 के ऊपर करीब करीब 175 पॉइंट्स, एंड देन वहां से करीब करीब और 125 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। तो ये 2 लेवल निफ्टी की तरफ ध्यान देंगे। तो क्या हमारा ये जो व्यू है, टेक्निकल व्यू है, उसको निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा सपोर्ट कर रहा है? आइए दोस्तों देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। 26th ऑफ अक्टूबर मंथली एक्सपायरी है, पहले देखेंगे कॉल साइड को। दोस्तों, अगर कॉल साइड की तरफ देखता हूं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, 1,60,000 का ओपन इंटरेस्ट है 19,600 पे, 1,60,000 का ओपन इंटरेस्ट है 19,700 पे, 1,64,000 है 19,800 पे, 1,25,000 19,900, एंड फाइनली हाईएस्ट है 20,000 के लेवल पे 1,66,000। सो इसका मतलब, अगर मैं, ये तो बहुत नज़दीक है 19,600 वाला, अगर मैं देखता हूँ 19,700 ये ऊपर की तरफ लेटेस्ट जो बहुत नज़दीक है, ये स्ट्रांग लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है जो हमारे टेक्निकल व्यू को सपोर्ट कर रहा है। अभी हम देखेंगे पुट साइड। पुट साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं दोस्तों, फाइव हंड्रेड पे 1,57,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो यहां पे 1,14,000 है 19,400 पे, और सीधा 19,000 पे 1,60,000 है। यहाँ पे तो मतलब सारे जो राइटर्स है उन्होंने अपनी लॉन्ग मतलब जो पोजीशंस है वो बनाई रखी है, बहुत दूर है। तो इसके लिए 19,500 के नीचे जाएगा तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। अगर 19,400 टूटता है
तो बहुत नीचे का फॉल देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यानी ये ऑप्शन चेन डेटा भी हमारे जो टेक्निकल व्यू है उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो फाइनलाइज क्रिस्टल क्लियर व्यू है कि मेक और ब्रेक लेवल नीचे की तरफ 19,470 से लेके 19,400 ये रेंज है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 19,700 के ऊपर निकलते ही अच्छा खासा रुझान निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी। अच्छा उसके पहले निफ्टी में मैं और एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूं निफ्टी का, तो निफ्टी के लिए अगर मैं ये जो लास्ट वाले टू बॉटम्स है इनको अगर कनेक्ट करता हूं, अगर ये बॉटम, ये जो बॉटम है रिसेंट बॉटम, ये टूटता है तो नीचे के लेवल्स ऑल खुलते हुए नजर आएंगे, बीच बीच में हमें रिव्यू लेना चाहिए। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी में मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो मैंने वैसे के वैसे रखा है। दोस्तों वेंसडे को हमने इसी लेवल को टेस्ट किया, थर्सडे को हम बहुत नीचे खुले, वापस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर आने की कोशिश की, हम नाकामयाब रहे। फ्राइडे को वापस गैप डाउन खुला, वापस इस लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आए और उसके नीचे ही क्लोज हुए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बुल्स फाइट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगले हफ्ते के लिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये ट्रेंड लाइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि लेवल है 44,000। अगले हफ्ते में अगर बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर निकल के वहां पे सस्टेन होता है तो बुल्स में स्ट्रेंथ आ गई ऐसा हम मानेंगे और वहां से अच्छा खासा उछाल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बुल्स नाकामयाब रहे, बेयर्स ज्यादा हावी हो गए, तो नीचे की तरफ का जो लेवल मेरे हिसाब से बहुत अहम है वो है 43,500 से लेके 43,300। इसके बीच में ना बहुत, ये बुल्स जो है वो बहुत कोशिश करेंगे बेयर्स को रोकने की, लेकिन अगर बेयर्स ने 43,500 के नीचे बैंक निफ्टी को पुश कर दिया तो वो पहला इंडिकेशन होगा कि बुल्स हारने चले रहे हैं, हारते हुए जा रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी 43,300 के नीचे फिसल गया तो बैंक निफ्टी में वापस एक बड़ा करेक्शन आने की पूरी पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। कॉशियस मोड पे जाने का टाइम रहेगा, बहुत ही सावधानी से हमें लॉन्ग पोजीशंस की तरफ देखना पड़ेगा अगर हम 43,300 के नीचे फिसल गए। दोस्तों अभी हम बैंक निफ्टी पे 43,700 के आसपास है, यानी 400 पॉइंट है हमारे पास बुल्स का ताकत देखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा इन दो लेवल्स पे, ऊपर की तरफ 44,000, नीचे की तरफ 43,500 से लेके 43,300, बड़ा रेंज है 200 पॉइंट का, लेकिन मैं यहाँ पे वो रेंज वैसे के वैसे रखना चाहता हूँ। तो क्या हमारा व्यू बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा हमारे व्यू को सपोर्ट कर रहा है? चेक करते हैं ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का। पहले कॉल साइड देखेंगे दोस्तों, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43,800 पे है, उसके बाद है 44,000 पे 1,44,000। यानी यस डेफिनेटली मेरे व्यू को ऑप्शन चेन डेटा भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 44,000 के बाद अगर मैं देखता हूं तो 44,500 यानी 44,500 पे जा सकता है। इसके लिए बैंक निफ्टी को 44,000 को क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा। पुट साइड, पुट साइड में क्या दिखाई दे रहा है? ओके देखो 43,500 पे 1,14,000 का ऑप्शन राइटिंग है और उसके बाद है सीधा 43,000। So 43,500 अहम लेवल रहेगा। मैंने जैसे कहा 43,500 से 43,300 ये रेंज रहेगा, इस रेंज में हमें बहुत कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा। यानी यस मेरा टेक्निकल व्यू को ऑप्शन चेन डेटा भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये दो लेवल्स की तरफ ध्यान दीजिएगा दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए। एंड तीसरा इंडाइसिस जो है वो है फिन निफ्टी।
फिन निफ्टी की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो कुछ बैंक निफ्टी जैसा ही थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके लिए 19,430, ध्यान से सुनिए, 19,430 ये अहम लेवल है। जब तक हम इसके ऊपर है तो मैं मानता हूँ बाउंस बैक आने की संभावना होगी, इसके नीचे फिसलेंगे तो मैं मानता हूँ कि करेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऊपर की तरफ थोड़ा दूर है 19,750 एम लेवल है, यहाँ से करीब करीब 150 पॉइंट, उस वहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद वो सीधा 19,920 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर निकलता है और फिन निफ्टी 19,750 के ऊपर निकलता है तो यस, बैंगन अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज, बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हुई फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिल सकती है। निफ्टी मिड कैप, अगर मिड कैप की तरफ देखता हूं दोस्तों, तो यहां पे देखो इतने बड़े कंसोलिडेशन में ही है, पिछले हफ्ते का जो व्यू दिया था वैसे कि वैसे मूवमेंट आता हुआ मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते की जो लेवल्स है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, 39,700 के बजाय अभी मेरे लिए अहम लेवल होगा नीचे की तरफ 39,600। इसके नीचे अगर हम फिसलेंगे तो मैं मानता हूँ कि गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ सकती है मिड कैप स्टॉक्स में, थोड़ा कॉशियस मोड रहना चाहिए दोस्तों। अगर मैं निफ्टी का पुट कॉल रेशो देखता हूँ PCR, वो 0.899 है। अगर मैं निफ्टी का पुट कॉल रेशो देखता हूँ तो वो है 0.899। इसका मतलब हम इस चार्ट में देखेंगे तो हम एग्जैक्टली सेंटर पे आके रुके हैं, यानी यहाँ पे इनडिसाइसिव मोड है, बुल्स और बेयर्स का बहुत झगड़ा चल रहा है, उसका इम्पैक्ट सारे सेक्टर्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा अहम लेवल है। ऊपर की तरफ बहुत ऊपर है, 41,000 का लेवल है, अभी हम 39,800 के आसपास है, यानी 1200 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑसिलेशन ही हो सकता है। फॉल कब आएगा दोस्तों, जब 39,600 के नीचे मिड कैप निफ्टी दिखाई देगा तो मिड कैप स्टॉक में फॉल देखने को मिल सकता है, जो लॉस है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड इंडेक्सेस की। पिछले हफ्ते में मैंने आपको बोला था कि अगर डाओ 33,300 के नीचे अगर फिसलता है तो मैं मानता हूं बहुत बड़ा फॉल आएगा। तो आइए दोस्तों क्या हुआ ये हम चेक करेंगे। डाओ का अगर मैं चार्ट देखता हूं दोस्तों, 33,000 पिछले हफ्ते में मैंने जो लेवल दिया था वो मैं रिपीट करता हूं, हाँ दोस्तों आज अगर मैं देखता हूं तो आज डाउ का जो रेट है वो है 33,127 और मैंने कहा था 33,350 के नीचे फॉल देखने को मिलेगा और उसी तरह से फॉल हमें देखने को मिला है। मैं मानता हूं कि ये फॉल फर्दर बढ़ने की पूरी संभावना है। अभी 33,127 का रेट चल रहा है, मैं मानता हूं कि अभी अगले जो लेवल्स मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो है 33,000 and 32,900। यहां तक फॉल आता हुआ नजर आएगा, वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश हो सकती है, इसीलिए ये अहम लेवल रहेगा 32,900। वहां से एक बाउंस बैक आने की संभावना होगी, वहां पे हमें रिव्यू लेना चाहिए, फॉल एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है टिल 32,900। दोस्तों नैसडेक की अगर मैं बात करता हूं तो नैसडेक में भी कुछ इसी तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। मैं मानता हूं कि अगर इस लेवल को हम देखेंगे तो 1298 आज अभी मतलब क्लोज में देखता हूं तो 12,983 यानी 13,000 के जस्ट 17 पॉइंट नीचे हम आ चुके हैं। मैं मानता हूं कि हम बहुत नजदीक है अहम लेवल के, 13,000 ये जो लेवल है ना इसके लिए नैस्टेक के लिए वो बहुत अहम है और हम सिर्फ 17 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, तो ये डिसाइसिव नीचे नहीं है। अगर मैं मानता हूं कि और थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं तो यहां पर मैं देखूंगा
इसका अगर मैं लो देखता हूं, ट्वेल्व, यानी यहां से और भी करीब करीब 40-50 पॉइंट ये नीचे का लेवल, लेट्स कंसिडर 12,900 के नीचे अगर नैसडैक फिसलता है, मैंने और 30-40 पॉइंट बफर रखे हैं, अगर 12,900 के नीचे हम इस नैसडैक कॉम्पोजिट को देखते हैं, फॉल बढ़ता हुआ नजर आएगा और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है वहां से, और करीब करीब 300 से 350 पॉइंट का फॉल ऑन द लोअर साइड नैसडैक में देखने को मिल सकता है। और अगर इस तरह से बातें हुई, हर जगह पे जो वॉर का सिचुएशन है उसकी वजह से कमोडिटीज का प्राइसेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता हुआ नजर आएगा। और टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ तो 12,900 के नीचे 300-350 पॉइंट का फॉल नैसडैक में भी देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली अगर मैं रूपी डॉलर की बात करता हूँ दोस्तों, तो एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पिछले हफ्ते का व्यू है उसमें ऊपर की लेवल तो मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, 83.30-85, इसके ऊपर निकलेंगे तो वापस एक बार बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा और रुपया और कमजोर होता हुआ नजर आएगा अगर हम 83.35 के ऊपर निकलेंगे। नीचे की तरफ का लेवल अगर मैं देखता हूँ तो नीचे की तरफ का जो लेवल है वो है 83 का, 83 के नीचे फिसलता है तो रुपए में ताकत आती हुई हम देखेंगे। तो ये दो लेवल की तरफ दोस्तों हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं पहला वीकली वीडियो जो है जिसमें मैं मेजर इंडाइसेस के बारे में और करेंसी के बारे में बात करता हूँ, ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों, दूसरा वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसमें मैं बहुत अहम सेक्टर्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। मिलते हैं वापस एक घंटे के बाद। थैंक यू।